हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज़ का आज ये मेरा सातवां लेक्चर है और आज हम नाइन्थ क्लास के बायो का चैप्टर नंबर 1 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर कम से कम आपके पेपर में से 2 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। मोस्टली आपके पेपर के अंदर पहला सवाल नाइन्थ लेवल के बायो में ये आता है कि डिफाइन द टर्म बायोलॉजी, डिफाइन इट्स मेन 3 ब्रांचेस, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट डाउन इट्स मेन ब्रांचेस, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन बायोलॉजी एंड ऑल्सो डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस और एनी 3 ब्रांचेस। इस तरह के सवाल जो हैं पहला क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है। चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपका जो पहला सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो आपके पास है वो ये है कि वाई बायोलॉजी इज नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी को हम मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहते हैं। बायोलॉजी जो है वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कैसे है, या फिर हम उसको मल्टी डायमेंशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट कैसे है। सो आप इसका सिंपल आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चीज़ें समझ लें कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ से रिलेटेड साइंस है। लाइफ का मतलब है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंस है। हम दुनिया के अंदर सारी चीज़ें जो भी करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने जो पर्पज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। तो हम अपने लिए जो भी चीज़ें करते हैं जाहिर सी बात है वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगी। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है इट इज़ अ साइंस विच इज़ रिलेटेड विद लाइफ। ऑल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द साइंस कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी दूसरी साइंस से रिलेटेड है क्योंकि बायोलॉजी जो है वो फिजिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड मैटर जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बायोफिजिक्स से हम कैलकुलेट करते हैं। बायो और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशनशिप है। हम सब जो केमिकल्स कंज्यूम करते हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स, मेडिसिन, इवन हमारे फूड जो हैं वो कंज्यूम करते हैं वो भी बायो और केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री के बदौलत हम तक पहुँचते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है डिफरेंट वो टेक्निक्स हमने इन्वेंट किए हैं जो कि इंसान के लिए बेनिफिशियल हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी से हमने अपने माहौल को बेहतर करने की कोशिश की है। तो इस तरह कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इज़ रिलेटेड विद मैनी अदर साइंसेस टू फुलफिल बेसिक नीड्स of human being and other livings। जो लिविंग की नीड्स हैं वो फुलफिल कर सकती है बायोलॉजी की। इसी वजह से बायोलॉजी जो है मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प मैनकाइंड। बहुत ही आसान सवाल है कि फार्मिंग प्रोफेशन जो है वो मैनकाइंड की कैसे हेल्प कर रहा है। हमारी क्रॉप जो है, हमारी फसल जो है, हमें इंसान की खाने की ज़रूरत पूरी कर रही है। तो फार्मिंग प्रोसेस जो है इंसान की खाने की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। द फार्मिंग प्रोसेस इज फुलफिलिंग ह्यूमन फूड नीड्स। इंसान की फूड की ज़रूरत पूरी कर रहा है, इसीलिए बायोलॉजिकल फार्मिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो है व्हाई स्पीशीज इज कॉल्ड सिमिलर टैक्सोनॉमिक लेवल। सिमिलर हायरार्की जो है, क्लासिफिकेशन का यूनिट जो है वो स्पीशी है। स्पीशी जो है उसको मैं ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्पीशी जो है वो सिमिलरली मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज़म्स हैं और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं सक्सेसफुली और नई नस्ल पैदा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पीशी इज सिमिलर यूनिट बिकॉज स्पीशी इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है आपका हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। पॉपुलेशन का मतलब है एक स्पीशीज़, एक टाइप की स्पीशीज एक जगह पर रह रही है। कम्युनिटी जो है उसका मतलब है कि
डिफरेंट स्पीशीज़ एक जगह पर रह रही हैं, तो हुई ना डिफरेंस बात क्या है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान एक जगह पर रह रहे हो तो हम कहेंगे ये इंसान की पॉपुलेशन है। तो इस तरह हम कहेंगे कि पॉपुलेशन जो है इसका मतलब ये है कि एक तरह की स्पीशीज। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर, वाइल इज कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन वन टाइप ऑफ एनवायरमेंट, तो हम उसे कहते हैं कम्युनिटी। तो आप लिखेंगे पॉपुलेशन is defined as similar or one type of species living at a place, while community is different species living in one environment together. तो this is the difference between population and community. चलते हैं आपके next question की तरफ जो कि है how new varieties of plants are produced. बहुत ही short definition आपकी book में है कि new varieties of plant हम कैसे produce कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, थ्रू जेनेटिकल टेक्नोलॉजी। जो है हम किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिज़ायर्ड क्वालिटी की कैरेक्टर जो है वो इंसर्ट करके उसके नए कैरेक्टर डेवलप करवा सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप लिखेंगे कि न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड न्यू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ लेबल डायग्राम। अब ये आपने बुक के अंदर देख के प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही सिंपल सवाल है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो बेहतर हो जाएगी और डायग्राम आप इजीली एग्जाम में बना सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ुद भी सेल्फ स्टडी किया करें, चीज़ों को लिखा करें और पढ़ने के बाद, याद करने के बाद थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अपना डेवलप करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जहन के अंदर एक परसेप्शन डालें कि ये चीज़ें कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, चीज़ों को अपनी लाइफ से लिंक करें ताकि आसानी से आपको वर्ड्स याद हों। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सीरीज़ एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज़ के पूरे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।